Hi students, how are you? Fine? Okay. Myself JP Giri from Saran ITC Mathematics welcomes you all in the world of mathematics. Mathematics दुनिया में आप सभी का स्वागत है. Previous video में हम लोगों ने मैट्रिक्स पर बेस्ड कुछ operations सीखे, जैसे कि addition, subtraction and multiplication of two and more मैट्रिक्स. इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एनसीईआरटी बुक के क्लास 12th के एक्सरसाइज 3.3 जिसमें ट्रांसपोज निकालना सीखेंगे. ट्रांसपोज पर बेस्ड प्रॉपर्टीज को सीखेंगे. इसके साथ साथ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे. सो इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू फाइंड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज एज वेल एज सिमेट्रिक एंड नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस, देन टिल द एंड यू मस्ट वॉच दिस वीडियो. सो विदाउट वेस्टिंग आवर प्रेसियस टाइम लेट्स स्टार्ट लर्निंग द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वह मैट्रिक्स होता है जो गिवन मैट्रिक्स के रोज और कॉलम को इंटरचेंज करके बनता है. रोज और कॉलम को इंटरचेंज करके जो मैट्रिक्स बनता है वह मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाएगा. सबसे पहले हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं. द मैट्रिक्स ऑब्टेंड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स. द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स के रोज और कॉलम को इंटरचेंज करने से जो मैट्रिक्स ऑब्टेन होती है, जो मैट्रिक्स प्राप्त होती है इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स. तो वह मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाती है. द transpose of any matrix A, suppose कर लिया कि कोई matrix A है, the transpose of any matrix A is generally denoted by the transpose of any matrix A is generally denoted by a raised to power t or a dash. किसी मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज को ए की पावर टी से या ए डैश से डिनोट किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लिया कि कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 1, 2, -3, 0, 4, 5. यह एक मैट्रिक्स है जो 2x3 ऑर्डर का है. 2x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दिया हुआ. अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है. इफ वी आर आस्क्ड टू फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 2x3, देन द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स बाय डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज निकालें
तो क्या हो जाएगा, द मैट्रिक्स ऑब्टेंड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इसका मीनिंग हुआ कि किसी भी मैट्रिक्स के रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर, इंटरचेंज करना मतलब एक को दूसरे की जगह पे डाल दो, दूसरे को पहले वाले की जगह पे डाल दो। यानी कि दो ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे के पोजीशन को अटेन कर लेते हैं तो वह प्रोसेस इंटरचेंजिंग कहलाता है, इंटरचेंज कहलाता है। मतलब एक को हटा दिया उसकी जगह पे दूसरा चला गया, दूसरा वाला उठ करके पहले वाले की जगह पे। दो लोग दो चेयर पे बैठे हैं, चेयर के आपस में अदला बदली कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरचेंजिंग। तो यहाँ पे रोज और कॉलम को इंटरचेंज करना है, इट मीन्स फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाएंगे, और इस तरह से जो नई मैट्रिक्स बनेगी, फर्स्ट रो दैट इज 1 2 -3, 1 2 -3, जो मैट्रिक्स गिवेन मैट्रिक्स ए में रो था फर्स्ट रो और उसके एलिमेंट जो 1 2 3 थे, यह ट्रांसपोज में क्या हो गया, कॉलम हो गया और कॉलम के एलिमेंट्स हो गए। उसी तरह जो सेकेंड रो था वह सेकेंड कॉलम बन गया, तो यह क्या हो गया हमारा, ट्रांसपोज हो गया। वेरी सिंपल है, किसी मैट्रिक्स से रोज को कॉलम में इंटरचेंज करने से जो मैट्रिक्स बनेगी दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का यह ट्रांसपोज होगा डिनोटेड बाय ए रेज टू पावर टी और ए डैश। क्लियर हो रहा है? अब ऑर्डर की बात हो रही कि इसका ऑर्डर क्या होने, कि किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, तो ट्रांसपोज का ऑर्डर लिखने के लिए क्या करेंगे कि इसको रिवर्स कर देंगे। जैसे 2 बाई 3 ऑर्डर का था तो ये 3 बाई 2 ऑर्डर का हो जाएगा। इट मीन्स 3 रोज होंगे और 2 कॉलम होंगे। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा 2 बाई 2 या 3 बाई 3 तो वो तो सेम रह जाएगा, लेकिन अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा जिसके रोज और कॉलम इक्वल ना हो, तो ऐसे सिचुएशन में ट्रांसपोज का जो ऑर्डर होगा वो गिवेन मैट्रिक्स के ऑर्डर का रिवर्स हो जाएगा, यानी कॉलम वाले रो पे चला जाएगा, रो वाले कॉलम पे। क्लियर हो गया? तो यह ट्रांसपोज हो गया कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है। अब इस पर बेस्ट कुछ प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कह रहा है कि किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज पर बेस्ट जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज क्या होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी कह रहा है कि किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज निकाल दिया जाए तो वही मैट्रिक्स वापस आ जाती है। दैट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स इटसेल्फ। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे, रो कॉलम में कन्वर्ट हो गए कॉलम रो में, फिर एक बार और ट्रांसपोज करें तो फिर वापस आ जाएगा वही। फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज करो कि कोई मैट्रिक्स 1 2 3 0 दिया हुआ है। अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे तो फर्स्ट रो 1 2 फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन गया है। क्लियर हो रहा है? अब इस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालते हैं, यानी कि इस ट्रांसपोज का यहाँ जो ट्रांसपोज आ गया, फिर इसका ट्रांसपोज अगर निकालते हैं तो 1 3 जो रो था वो कॉलम बन जाएगा, 2 3 जो दूसरा रो था ये दूसरा कॉलम बन गया, और ये दोनों इक्वल आ गया। दैट इज यह किसके इक्वल हो गया, ए के इक्वल हो गया। इट मीन्स ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड इज द मैट्रिक्स इटसेल्फ। क्लियर हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी? चलो अब सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं। बहुत आसान आसान एक्सरसाइज ही बहुत आसान है। एक्सरसाइज 3.4 है एनसीईआरटी का, नॉट 3.4, दैट इज 3.3। सेकेंड प्रॉपर्टी कह रहा है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज ऑलवेज ए का ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज इक्वल होता है। यानी कि ट्रांसपोज ऑफ सम ऑफ एनी टू मैट्रिक्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर ट्रांसपोज, उन दोनों के ट्रांसपोज के सम होता है। यही केस डिफरेंस के लिए भी है, यानी कि ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल होगा ए ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज।
थर्ड प्रॉपर्टी यहां कह रहा है कि किसी भी मैट्रिक्स ए को अगर किसी स्केलर के से मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज निकालेगा तो वो यह रिजल्ट उतना ही होगा जितना कि के इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए, यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद हम ट्रांसपोज निकाले या ट्रांसपोज करने के बाद मल्टीप्लाई करें, दोनों के दोनों क्या होंगे, दोनों रिजल्ट सेम होते हैं। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी कह रहा है कि अगर प्रोडक्ट है ए डॉट बी, ए इंटू बी का ट्रांसपोज निकालना है तो यह यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। फर्स्ट तीनों तो प्रॉपर्टी बहुत ईजी है, थर्ड में चेंज हो जाता है कि बी का ट्रांसपोज पहले होता है और ए का ट्रांसपोज बाद में होता है। ए प्लस बी का होल का ट्रांसपोज इक्वल होता है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, बस इसी को क्लियर करना है, माइंड में रखना है। अदरवाइज अदर प्रॉपर्टीज तो वेरी सिंपल है, क्वेश्चन जब आएंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं और बना सकते हैं। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले आप लोग प्रॉपर्टी को राइट डाउन कीजिए, फिर हम लोग मूव करते हैं, कुछ क्वेश्चंस इस पर बेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को देखेंगे। एक दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन 3.3 एक्सरसाइज के, 3.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ट्रांसपोज निकाला है, वेरी सिंपल है, वेरीफाई भी करना है। तो ट्रांसपोज निकालना बहुत आसान है, प्रूव करना एक्सरसाइज 3.3। अगर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, करने का तरीका क्या है? तो सबसे पहले जो गिवन मैट्रिक्स है उसको सपोज कर दो, लेट द गिवन मैट्रिक्स ए, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट या हम नोट करते हैं, फर्स्ट पार्ट में दे रखा है यह एक कॉलम मैट्रिक्स है 5, 1/2 and -1। इट इज अ कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्यों है? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, इसलिए यह कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा और इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है। देयरफॉर ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को हम ए रेज टू पावर टी से भी लिख सकते हैं और ए डैश से भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के बुक में एनसीईआरटी का जो बुक मेरे हाथ में है इसमें सब में डैश ही दे रखा है, तो हम डैश ही लिखना शुरू करेंगे, टी रहेगा तो टी लिख देंगे या जो इच्छा करे वो लिखो, सब सही है। अब हमें क्या करना है, ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज के क्या करें, फर्स्ट रोज को कॉलम इंटरचेंज करते हैं, यहाँ तो एक ही एक कॉलम है तो इस कॉलम को रो में बदल देंगे और इस तरह से हमारा ये ट्रांसपोज निकल गए। कितना आसान है, वेरी सिंपल है, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं है। सारे क्वेश्चन आप लोगों से इसमें बन जाएंगे, मुझे इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखते हैं हम, यहाँ फोर्थ क्वेश्चन में ए और बी, ए डैश दे रखा है, गिवन ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दिया हुआ है दैट इज -2, 3 और 1, 2 दे रखा है, ट्रांसपोज दे रखा है और मैट्रिक्स बी दे रखा है, यहाँ बी का ट्रांसपोज नहीं, ट्रांसपोज सिर्फ ए का दे रखा है और बी मैट्रिक्स दे रखा है -1, 0, 1 और 2, दो दिया हुआ है, ए का ट्रांसपोज दे रखा है, बी दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए के ट्रांसपोज से मैट्रिक्स ए को ऑब्टेन करेंगे। तो किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालेंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो थी, किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जब करेंगे तो वही मैट्रिक्स आ जाते हैं। देयरफॉर ए जब निकालना होगा, ए डैश दैट इज ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स को निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसके रो को कॉलम में बदल देंगे, मींस इसका ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज करने का अर्थ है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बदल गया, सेकंड रो सेकंड का, यह मैट्रिक्स ए आ गया। क्वेश्चन में ट्रांसपोज दे रखा है और हमें मैट्रिक्स ए की नीड थी, मैट्रिक्स ए की आवश्यकता थी, इसलिए इसको हम क्या करें, इसका ट्रांसपोज निकाल दिए और बी तो दे रखा है। नाउ अब हमें क्या निकालना है, ए प्लस 2 बी का होल ट्रांसपोज।
ए प्लस टू बी का होल ट्रांसपोज। ये तो इसकी बगैर भी हम कर सकते थे, लेकिन चलिए यहाँ तो हम सीख गए कि कैसे ट्रांसपोज निकालना। तो हम क्या कर सकते हैं कि ए प्लस टू इंटू बी दोनों को ऐड कर जो रिजल्ट आएगा उसका ट्रांसपोज निकाल देते हैं, या डायरेक्ट प्रॉपर्टी का यूज करते। तो ए का ट्रांसपोज प्लस टू इंटू बी का ट्रांसपोज होता है। ट्रांसपोज के लिए यहाँ आप लोगों के बुक में डैश ही दे रखा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ ए को लिख देंगे माइनस टू वन थ्री, टू हो गया आया प्लस टू बी, यानी कि बी को नहीं लिख रहा है, इसमें टू से मल्टीप्लाई करके लेता है। डायरेक्ट हम टू से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं। जैसे टू से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू जीरो, टू और फोर हो जाएगा, और इसका ट्रांसपोज निकाल देना है। वेरी सिंपल। अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं और ऐड करके उसका ट्रांसपोज कर लेंगे। ट्रांसपोज ऐड करना है, माइनस टू माइनस टू माइनस फोर, वन प्लस जीरो वन, थ्री प्लस टू फाइव, और टू प्लस फोर सिक्स। अब इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे और यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बदल देंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, इस तरह से हमारा रिजल्ट हो गया। तो क्लियर हो गया कि इस टाइप के क्वेश्चन हमें करना है कैसे है। यह जरूरी नहीं था, हम बिना बदले भी कर सकते थे। यहाँ प्रॉपर्टी को अप्लाई कर देते, ब्रैकेट ओपन करते थे, ए डैश होता प्लस टू इंटू बी डैश होता, ए डैश का तो वैल्यू दिया हुआ है दैट इज ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है, और बी के ट्रांसपोज को वहाँ डाल करके वैसे भी सॉल्व कर सकते थे। क्लियर हो गया। चलिए हम आगे मूव करते हैं, और मूव करके यह देखते हैं छठे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसके बाद सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स करेंगे। इस वीडियो को देखने के पहले आप लोग इसके प्रीवियस वीडियो को देख करके, सबसे पहले हम ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्सेस एडिशन सबट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन हम सीख लेंगे प्रीवियस वीडियो के हेल्प से, और उसके बाद इस एक्सरसाइज को करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। चलिए अब सिक्स्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर सिक्स। इफ ए एक मैट्रिक्स गिवेन है, गिवेन मैट्रिक्स ए इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, दैट इज गिवेन, देन वेरीफाई दैट। यह गिवेन है, हमें वेरीफाई करना है कि ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई होगा। तो प्रूफ क्या करना है हमें, ए इंटू ए डस, वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट या वेरीफाई दैट है तो वेरीफाई लिख देंगे, कोई बात नहीं। वी हैव टू वेरीफाई दैट ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट इज आई, यह हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, वी टेक एलएचएस पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का एलएचएस पार्ट हम राइट डाउन करेंगे। ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए, बार बार मुझसे ए रेस्ट पावर टी लिखा जा रहा है क्योंकि आर डी शर्मा की बुक में ए रेस्ट पावर टी ही दे रखा है, एडेस नहीं दिया हुआ है, कोई अंतर नहीं पड़ता है एडेस लिखे या ए रेस्ट पावर टी, बोथ आर डिनोटेड एज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए। अब ट्रांसपोज ऑफ ए, तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमें डालना है यहाँ, तो डायरेक्ट हम ट्रांसपोज करके ही लिखेंगे यहाँ। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कॉस अल्फा साइन अल्फा, सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, यह हो गया हमारा ए का ट्रांसपोज। अब क्या करना है, अगले स्टेप में ए यानी उस मैट्रिक्स को हूबहू लिख देना है, दैट इज कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब क्या करना होगा हमें, प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो ना देखा है तो पहले जाकर उसको प्रीवियस वीडियो को देख करके आप लोग ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्सेस में एडिशन सबट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन सीख लेंगे। जब तक
प्रोडक्ट नहीं सीख पाएंगे, यहाँ क्वेश्चन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। अब प्रोडक्ट फाइंड करने के दो एरो लगता है, इसमें ऊपर लगता है, यहाँ साइड में लगता है। कैसे प्रोडक्ट होता है? कॉस को कॉस से, कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन को माइनस साइन से, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस को साइन से, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, कॉस को साइन से, माइनस साइन को कॉस से, तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब यहां करेंगे सेकेंड रो को दोनों कॉलम से वन बाई वन करके करेंगे, साइन इंटू कॉस, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस को माइनस साइन से, माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, साइन को साइन से करेंगे साइन स्क्वायर अल्फा, और कॉस को कॉस से करेंगे यहाँ कॉस स्क्वायर अल्फा। व्हाट वी सी हियर, यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि साइन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू वन होती है, यह एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, इसकी वैल्यू जीरो हो गई। यहाँ भी यह एक दूसरे को कैंसिल करेगा, इसकी वैल्यू जीरो हो गया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा वन। यह क्या होता है, ये हमारा टू बाई टू ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोग सीखे थे इसको, और यहाँ लिख देंगे हेंस वेरीफाइड, जिसको वेरीफाई करना था वो हमारा रिजल्ट आ गया कि ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई को हमें फाइंड करना था और ये आई आ गया, इट मीन्स क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप लोगों ने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को सीखा। अब इसी वीडियो का अगला जो पार्ट है दैट इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उस पर हम डिस्कस करते हैं और इसके साथ बाद इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, इसके लिए हम नोट की तरफ चले जाते हैं। नोट फर्स्ट में लिखेंगे, इफ ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स इटसेल्फ, इफ ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स इटसेल्फ, कह रहे हैं किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर वही मैट्रिक्स आ गया, if a dash equal to a then matrix a is called symmetric matrix, symmetric matrix। कह रहा है कि किसी matrix a का transpose अगर हम निकालते हैं और transpose निकालने के बाद हम देख रहे हैं कि result जो हुआ वो matrix खुद वही matrix आ गई, तो वैसे matrix symmetric matrix कहलाती है। दूसरा रिजल्ट है इसका, इफ ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स इज नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स इज नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स, देन द गिवन मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के निगेटिव के इक्वल आ गया तो वह मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहे जाती है। वेरी सिंपल है, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं, डायरेक्ट हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 में दोनों टाइप के क्वेश्चन हैं, दोनों टाइप को प्रूफ करना है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो दिया हुआ एक्सरसाइज 3.3 में, सो दैट द मैट्रिक्स ए विच इज अ 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम गिवन मैट्रिक्स को राइट डाउन करेंगे, गिवन मैट्रिक्स ए इक्वल टू 3x3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, 1-1, 5, -1, 2-1, -1, 2-1, 5-1, 3, 5-1, 3। यह एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमें प्रूफ करना है
सेवेंथ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, हमें प्रूफ करना है कि यह एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या कह रहा है कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर वही मैट्रिक्स आ जाती है तो उस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कि हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाने के लिए क्या करना होगा, किसका ट्रांसपोज निकाल कर चेक करना होगा। हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे और ट्रांसपोज निकाल कर हम चेक करेंगे जो जो ट्रांसपोज आया है वह इस गिवन मैट्रिक्स के इक्वल है या नहीं है। Therefore, ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए ट्रांसपोज का डिफिनेशन क्या था अभी भी सीखे हम लोग कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कर दे, सेकेंड रो जो था उसको सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं माइनस वन टू वन, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में फाइव वन थ्री। व्हाट वी सी दैट मैट्रिक्स ए एंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए बोथ आर आइडेंटिकल, दोनों के दोनों सेम है, वन माइनस वन फाइव, वन माइनस वन फाइव, माइनस वन टू वन, माइनस वन टू वन, दैट इज इट मीन्स कि ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स ए, कि इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स आ गया, हेंस ए इज कॉल्ड, हेंस ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारा रिजल्ट हो गया और प्रूव्ड हो गया, क्लियर हो गया, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अब इसके सेकंड पार्ट में की तरफ हम जाते हैं, जैसे सेवेंथ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में भी थ्री बाई थ्री ऑर्डर का मैट्रिक्स है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन नंबर सेवेंथ का सेकंड पार्ट हम देखते हैं। गिवन मैट्रिक्स पर राइट डाउन करेंगे, यहाँ जीरो वन माइनस वन, वन माइनस वन दे रखा है, ये माइनस वन जीरो प्लस वन है, यहाँ वन माइनस वन जीरो है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है थ्री बाई थ्री ऑर्डर का। हमें प्रूव करना है कि यह एक एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले इसका ट्रांसपोज निकालना होगा, फिर ट्रांसपोज निकाल कर चेक करना होगा कि यह रिजल्ट जो आ रहा है वो कैसा है। ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स इज जीरो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बदलना है, जीरो वन माइनस वन, जीरो वन माइनस वन, सेकेंड रो माइनस वन जीरो वन को सेकेंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो वन माइनस वन जीरो को थर्ड कॉलम बना दिया, वन माइनस वन जीरो को थर्ड कॉलम बना दिया। अब इन दोनों को ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करके हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि दोनों में न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है बट उनके जो साइन है अपोजिट है, यहाँ वन प्लस में है, वन माइनस में, ये माइनस वन था तो यहाँ प्लस वन, या जो प्लस वन था वो इसमें माइनस वन है। इट मीन्स इसमें से अगर हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, दैट इज अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो ये जीरो जो माइनस वन था वो प्लस वन बन जाएगा, जो प्लस था वो माइनस वन बन जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा ये जीरो होगा, ये जो माइनस वन था ये प्लस का वन बन गया, यहाँ ये प्लस का हो गया और जो प्लस था वो माइनस हो गया जीरो। अब ये दोनों के दोनों इक्वल आ गए, इट मीन्स माइनस ए ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स, हेंस वी कंक्लूड दैट ए इज अ एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये हो गया हमारा प्रूफ सेवेंथ क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। तो समझ में आ गया कि कोई अगर मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उस मैट्रिक्स का को सिमेट्रिक कैसे दिखाना है, उस मैट्रिक्स में से का ट्रांसपोज निकालेंगे, जिस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक है इसको सिमेट्रिक चेक करना है उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, और ट्रांसपोज निकालने के बाद ये दोनों जो कॉन्सेप्ट यहाँ लिखे गए हैं इन दोनों प्रॉपर्टीज को वहाँ अप्लाई करना है, जो प्रॉपर्टी जिस पर अप्लीकेबल होगी उस बेस पर हम यह बता सकते हैं कि वो सिमेट्रिक है या इसक्यू सिमेट्रिक है। अब यहाँ हो रहा है
कि अगर कोई मैट्रिक्स न सिमेट्रिक हो और ना ही स्क्यू सिमेट्रिक, तो उसके हेल्प से सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम कैसे बनाएंगे। एक सब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है जिसको हमें याद रखना है। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर एनी मैट्रिक्स ए, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए यह ध्यान रखना है कि ए ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ना ही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए कोई मैट्रिक्स है, नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसके हेल्प से सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कैसे बनाते हैं, तो कह रहे हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम उसका ट्रांसपोज ऐड कर देते हैं, किसी मैट्रिक्स में अगर उसका ट्रांसपोज ऐड कर देंगे, तो इस तरह से जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। क्लियर हो रहा है कि किसी मैट्रिक्स में अगर उसका हम ट्रांसपोज ऐड कर देंगे, तो इस तरह से जो मैट्रिक्स बनेगी वह क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। दूसरा है पॉइंट कि अगर किसी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को सबट्रैक्ट कर देंगे, तो इस तरह से जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी वह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। क्लियर हो गया। अब इसको हम चेक कैसे करेंगे, सपोज कर लो कि ये तो प्रॉपर्टी लिखा जा चुका है, अगर इसका प्रूफ कोई पूछ देगा कि कैसे आप दिखाएंगे कि ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि फर्स्ट पार्ट को लेते हैं, इसको सपोज कर लेते हैं, कोई एक मैट्रिक्स रिजल्टेंट मैट्रिक्स को हम एक्स सपोज कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं वो एक्स मैट्रिक्स है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। अब हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो एक्स हैं दैट इज इनका जो सम है वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। किसी मैट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक दिखाने के लिए क्या करना है, उसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो देयरफॉर हम क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, एक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे, दैट इज ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। किस इस पूरे मैट्रिक्स को मैट्रिक्स एक्स सपोज कर लिया, अब हमें बताना है कि मैट्रिक्स एक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाने के लिए क्या करना होगा कि इस मैट्रिक्स को, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे। अब ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करना है, इसका होल का ट्रांसपोज। अब जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ट्रांसपोज की जो प्रॉपर्टी थी कि प्लस या माइनस रहता है, तो ट्रांसपोज दोनों पर लग जाता है, मतलब ए ट्रांसपोज या प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज तो ए हो गया, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स आ जाती है, दैट इज ए ट्रांसपोज प्लस ए, ये दोनों मैट्रिक्स क्या हुई, सेम आ गई। इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस ए का ट्रांसपोज दैट इज एक्स लिख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि किसी मैट्रिक्स एक्स का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स एक्स आ गई, हेंस वी कंक्लूड दैट द मैट्रिक्स ऑब्टेन बाई ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हेंस एक्स दैट इज ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब अगर यही सेकेंड वाले पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स करना होता तो हम कैसे करते, तो उसको भी हम करके देख लेते हैं, इसका सेकेंड पार्ट प्रूफ कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट को हम y सपोज करते हैं, y इक्वल टू a माइनस ट्रांसपोज ऑफ a। अब हम प्रूफ करने कि y जो है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के को दिखाना हो या सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना है, सबसे पहले गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए a माइनस ट्रांसपोज ऑफ a का होल ट्रांसपोज,
अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ए डैश माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज आ गया, तो ए का ट्रांसपोज हो गया, यहाँ ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स होता है। अब इसमें से माइनस हम कमन निकालेंगे, जैसे माइनस कमन निकालेंगे तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज आ गया, दैट इज माइनस वाई आ गया, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स वाई इज निगेटिव ऑफ वाई, सो वी कंक्लूड दैट वाई इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हेंस वाई दैट इज ए माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर हो गया कि किसी मैट्रिक्स में अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऐड कर देंगे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा, और किसी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को हम माइनस कर देंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाता है। क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 जो एनसीईआरटी का, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्सेज एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कह रहा है कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में एक्सप्रेस करो। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे कैसे, तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट हम बिल्ड कर लेते हैं कि आखिर किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे। लेट ए बी एनी नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स। सपोज कर लिया कि ए जो है कोई नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब क्या इस मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक एक्सप्रेस किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो कैसे, हाउ? देयरफॉर ए इक्वल टू हाफ ऑफ टू ए, किसी मैट्रिक्स ए को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं हाफ इंटू टू ए, क्योंकि टू से टू कट जाएगा, ए रह जाएगा, अब वन बाई टू हो गया। दिस टू ए कैन बी रिटेन एज ए प्लस ए, इस टू ए को हम ए प्लस ए की फॉर्म में लिख सकते हैं, अब वन बाई टू हो गया। अब यहां ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए का ट्रांसपोज, यानी कि ए के ट्रांसपोज इसमें प्लस कर दिया और ए के ट्रांसपोज को इसमें माइनस कर, क्योंकि ये माइनस से प्लस कैंसिल हो जाएगा, फिर और ए मिलकर टू ए बन जाएगा, टू से टू कैंसिल होकर ए आ जाएगा। तो किसी मैट्रिक्स ए को हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, दो पार्ट में ब्रेक करने का अर्थ है कि इधर ऐसे कर दिया, अब वन बाई टू दोनों में लग गया, तो वन बाई टू ए प्लस ए का ट्रांसपोज और हाफ ऑफ ए प्लस ए माइनस ए का ट्रांसपोज, दैट इज एनी मैट्रिक्स ए कैन बी रिटेन एज हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज एंड हाफ ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। जैसा कि इसके जस्ट पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर उसका ट्रांसपोज ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा, और किसी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज माइनस कर देगा तो स्क्यू सिमेट्रिक्स बन जाएगा। समझ में आ गया। अब जब भी क्वेश्चन होगा, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते रहे हैं कि किसी गिवन मैट्रिक्स को उस सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में एक्सप्रेस करो, ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना पड़ेगा। यानी कि जो भी मैट्रिक्स दिया रहेगा, सबसे पहले उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे, ट्रांसपोज निकाल कर उसको उसके ट्रांसपोज को उसी में ऐड कर देंगे और उसका हाफ कर देंगे, तो इस तरह से जो मैट्रिक्स बनेगी वो उसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। और फिर दूसरा हो जाएगा ए में से उसको उसके ट्रांसपोज को माइनस कर देंगे और इस तरह से उसका स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स बन जाएगा, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो रिजल्टेंट आ जाएगा। क्लियर होगा। तो यह कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया। अब इसका यूज हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में करते हैं।
दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 टू बाई टू ऑर्डर का भी है, थ्री बाई थ्री ऑर्डर का भी है, कंसेप्ट एक जैसा है। पहला क्वेश्चन जैसे बनेगा वैसे ही सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहले हम गिवेन मैट्रिक्स को सपोज कर लेंगे, दैट इज ए इक्वल टू 3 5 1 -1, यह गिवेन मैट्रिक्स हो गया। अब इस मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, अभी जस्ट डिस्कस किए हैं कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम फाइंड करेंगे। देयरफॉर ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स इज 3 5 1 -1, यानी रो को कॉलम में इंटरचेंज कर लिया। अब यहाँ P या x y ही सपोज करें, तो x सपोज करें तो x इक्वल टू हो जाएगा a प्लस a का ट्रांसपोज, और इसको हाफ कर देते हैं क्योंकि किसी मैट्रिक्स का हाफ, अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसका हाफ भी सिमेट्रिक ही होता है। तो 1/2 हो गया, और a प्लस a डैश, यानी कि इन दोनों को ऐड करना है। तो डायरेक्ट हम ऐड कर लेते हैं, 3 + 3 6, 5 + 1 6, 1 + 5 यह भी 6, -1 -2, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3 3 3 -1, यह मैट्रिक्स x आ गया। अब क्या यह मैट्रिक्स x सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? तो सिंस x डैश इक्वल टू x, अगर इसका ट्रांसपोज हम निकालेंगे तो ट्रांसपोज निकालते हैं तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फिर यही मैट्रिक्स आएगा। देख लो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बदल दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बदल दिया, और यही वापस आ गया। यानी कि किसी मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स x का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स आ गया। शो x इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, x सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब एक y निकालेंगे, तो यहीं पे निकाल लेते हैं, y इक्वल टू हाफ ऑफ a माइनस a का ट्रांसपोज। तो हाफ ऑफ a माइनस a का ट्रांसपोज, यानी कि a में से इसके ट्रांसपोज को माइनस करें, डायरेक्ट हम यहीं से रिजल्ट डाल देते हैं, 3 - 3 0, 5 - 1 4, 1 - 5 -4, और -1 में से -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज +1 हो जाएगा, और इस तरह से ये 0 आ जाएगा। 2 ईच टर्म को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -2 0। अब हम देख रहे हैं, अब इसका ट्रांसपोज निकाल कर, वाई जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज निकाल कर चेक करें कि क्या यह वास्तव में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ट्रांसपोज निकालते, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बदल गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बदल गया, सेम है, सिर्फ माइनस कॉमन निकाल लेते। यहां से अगर हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 0 -2 2 और 0, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ वाई इज निगेटिव ऑफ वाई। यहां मैट्रिक्स हो गया है, तो हो चुका है पहले, देयरफॉर वाई इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहां हम कंफर्म करें, एग्जांपल के थ्रू भी हम कंफर्म करेंगे, अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है और उस मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड कर दिया जाए तो जो मैट्रिक्स बनेगा वह उसका सिमेट्रिक होगा, और अगर उस गिवन मैट्रिक्स में उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस कर देते इस तरह जो मैट्रिक्स बनेगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। यहाँ हाफ डिवाइड किया जाएगा तो भी बनेगा, हाफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी बनेगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो भी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक ही बनेगा। तो यह इस टाइप का क्वेश्चन जब भी बोर्ड के एग्जाम में आएगा तो 4 मार्क्स में आता है, 3 या 4 मार्क्स के लिए। यह तो सिमेट्रिक और सिमेट्रिक हम चेंज किए, अभी फाइनल नहीं हुआ क्वेश्चन, फाइनल करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे और ऐड के सम के फॉर्म में दिखाना है। तो यहां थोड़ा सा रफ कर देते हैं, देयरफॉर मैट्रिक्स ए इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो x का जो वैल्यू आया है, x का वैल्यू कितना आया था, 3 3 0 no 3 3 3 -1 3 3 -1, और प्लस यहाँ 0, y का 2 -2 0। तो यह हमारा रिजल्ट हुआ।
मैट्रिक्स ए कैन बी रिटन एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दिस विल बी आवर रिजल्ट। और इतना करने के बाद हम इस क्वेश्चन पर फुल मार्क्स लेने का राइट रखते हैं, हमें फुल मार्क्स मिल जाएगा इस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक्स निकालेंगे, एक्स डैश निकाल कर दिखा देंगे को सिमेट्रिक है, फिर वाई निकालेंगे, वाई डैश निकाल कर दिखा देंगे को स्क्यू सिमेट्रिक है, और देन फाइनली हम इतना करेंगे। तो इसके साथ ही हमारा यह वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है, और इस वीडियो के हेल्प से आप लोग एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी बुक्स का इजीली कर लेंगे। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न एलिमेंट्री ऑपरेशंस टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। टिल देन इट इज गुड बाय।